अखिलेश ने जब राहुल की ओर से बीजेपी के अनुराग को फटकारा तो सीएम योगी से पिछड़े केशव ने अखिलेश को चढ़ाने का किया प्रयास। केशव ने जब अखिलेश को दरबारी दिया करार तो भाई के पक्ष में आवाज बुलंद करने के लिए आ गए धर्मेंद्र। धर्मेंद्र ने केशव को अखिलेश के लिए अपने शब्दों से रगड़ा। कहने वाले तो कह रहे हैं अखिलेश ने धर्मेंद्र को केशव के पीछे लगा दिया। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए, बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप पूछ के दिखाओ जाति को, आप जाति कैसे पूछोगे, तुम कैसे पूछोगे जाति, आप बैठो, नहीं जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना, अब आप हमारी जाति नहीं पूछ सकते, हमारी व्यवस्था सुन ले, आप मेरी व्यवस्था सुन ले। कोई अखिलेश के इस रौद्र रूप को देखकर सदन के अंदर बीजेपी में हलचल शुरू हो गई और जब बात बाहर आई तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के तेवर को एक अलग ही सियासी रंग में रंगने का प्रयास किया। कुछ ऐसा कहा जिससे अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को केशव पर नेक्स्ट लेवल का गुस्सा आ गया। केशव प्रसाद मौर्य को धर्मेंद्र यादव ने अपने शब्दों में रगड़ दिया। केशव के सपने को अखिलेश के धर्मेंद्र ने पहले एक एक कर सजाया, फिर उसे इस अंदाज में बिखेर दिया। केशव को दर्द तो जरूर हुआ होगा। चलिए पूरी कहानी को तफसील से समझते हैं। दरअसल संसद में विपक्ष लगातार जातीय जनगणना की मांग कर रहा है। इसको लेकर बीजेपी की ओर से हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने नेता विपक्ष राहुल गांधी को टारगेट करते हुए टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था देश में जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं लेकिन इनकी खुद की जाति का पता नहीं। इसको लेकर विपक्ष की ओर से विरोध किया गया। विपक्ष की ओर से लगातार माफी की मांग की गई। हालांकि राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने अनुराग ठाकुर से माफी नहीं चाहिए लेकिन जातीय जनगणना होकर रहेगी। इसको लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव काफी मुखर नजर आए। उन्होंने गुस्से में संसद में कहा कि वो किसी की जाति नहीं पूछ सकते। इसके बाद सदन में जमकर हंगामा हुआ। अब अखिलेश ने जब एंग्री यंग मैन वाला अपना अवतार दिखाया तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उन्हें घेरने के लिए आ गए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश को लेकर कहा था कि वो नेता कम गांधी परिवार के दरबारी ज्यादा लगे। मौर्य ने ट्वीट कर कहा, कांग्रेस के मोहरा सपा बहादुर अखिलेश यादव जिस तरह राहुल गांधी की जाति पूछने पर उखड़े उससे नेता कम बल्कि गांधी परिवार के दरबारी ज्यादा लगे। मौर्य ने आगे लिखा, 2027 में 2017 दोहराएंगे यानी कि यूपी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करेंगे। अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य द्वारा अखिलेश यादव को गांधी परिवार का दरबारी बताए जाने पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया। आजमगढ़ से सांसद और लोकसभा में सपा के चीफ विहिप धर्मेंद्र यादव ने कहा, उनका पासवर्ड काम नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ तो कहेंगे ना, उधर काम नहीं आ रहा है, ना मानसून ऑफर स्वीकार कर पा रहे हैं, उनके साथ लोग ही नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश ने कल सदन में कहा था ना कि जिन लोगों ने हराया है उन्हें भी नहीं हटा पा रहे। वहीं जातीय जनगणना को लेकर धर्मेंद्र यादव ने कहा कि उनकी मांग लगातार जारी रहेगी। नेताजी ने 2010 में इसकी मांग की थी, उस समय बीजेपी के लोग विपक्ष में थे और जातीय जनगणना के पक्ष में दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब से 10 साल में सत्ता में हैं तब से इसके खिलाफ बयान दे रहे हैं।